बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी विद ताजदार शाह में खुश आमदीद। और मैं हूँ ताजदार। बयाक वक्त आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। और मैं आज कहाँ बैठा हूँ, जी हाँ, ये जो आपको काला गेट दिख रहा है, ये डरिए नहीं इसको देख के, क्योंकि ये कोई घोस्ट हाउस नहीं है, बल्कि यहाँ से जो है लोगों का आमदोरफ्त होती है और मेरी भी आमदोरफ्त होती है। और ये कहाँ होती है, जी हाँ, ये जिम खाना है, जिसे जिमनाजियम भी बोला जाता है और जिम बोला जाता है, एक असलाम है। खैर, मुख्तसर ये कि आज चूँकि मोरखा 9 अगस्त 2021 है, और 9 अगस्त 2016 को मैंने एक संगे मील की बुनियाद रखी थी। और मैंने एक सफ़र तय करना चाहा था, जब मैं बहुत ज़्यादा ओबेजी था, बहुत ज़्यादा मोटा था, शायद अप्रॉक्स 100 kg का होगा। जब आपने मेरी मूवी बड़े पर्दे पे देखी, एक्टर इन लॉ, तो उसमें आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आले खान के साथ मैं जब बैठा हुआ था तो कितने लोगों ने मुझे सराहा, जहाँ वहाँ पे मुझे बॉडी शेमिंग का, यानी कि मोटापे का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। खैर, मुख्तसर करते हैं, आज से 5 साल कबल 9 अगस्त 2016 को मैंने एक छोटे से वाक़े के बाद, उस वाक़े को मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उस वाक़े से जो मुताबिक रखता है शख्स, अब वो मेरी ज़िंदगी में अहमियत का हामिल नहीं है, लिहाजा मैं उसका मेंशन नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल, मुझे चूंकि ख़ुद भी इरादा था जिम ज्वाइन करने का और फिटनेस की दुनिया में कदम रखने का, और चूँकि मीडिया से भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन उससे कबल मेरा जून 2016 में जहाँ वज़न 65 किलो था, वहाँ अगस्त 2016 में एकदम मैंने 100 kg पे अपना वेट कर लिया था। कैसे कर लिया था? रमज़ान में कर लिया था। अच्छा, खैर, अब मुख्तसर करते हैं इसको। 5 साल पहले मैंने यहाँ पे आगाज़ किया। ये जिम है ब्लॉक 2 में, 5-स्टार कॉम्प्लेक्स के सामने, बॉडी इम्पैक्ट, जिसका इंग्लिश में नाम बॉडी इम्पैक्ट है और उर्दू में नाम है निशार्स शहीद जिमनाजियम। ठीक है, खैर, तो यहाँ मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे शुरू में मशकें करवाईं, और मेरा आगाज़ उनके साथ हुआ मेरे एक्सरसाइज के करियर का। तो उस्ताद से मैं बात करूंगा, उनसे मैं दो सवाल करूंगा कि अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी। दो सवाल करना चाहूंगा इस 5 साल की जो मेरी एनिवर्सरी है यहाँ पे जिम में एज अ मेंबर, कि आपने मुझे एज अ स्टूडेंट कैसा पाया, और उसके अलावा मुझे एज अ फिटनेस के तौर पे जो मतलब मुझे कैसा देखा आपने, कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ या सुस्त हूँ, और उसके अलावा आपने मेरे जो जज्बात एहसास के उतार चढ़ाव हैं वो आपने किस तरह के देखे, और एक पूरा मुझे सफ़र अपना बता दीजिए जो आपके जहन में गाहे गाहे आता हो। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ताजदार मुअज़्ज़म शाह, और 5 साल पहले यानी कि जब मेरे पास आया था तो मैंने बहुत सारी अफवाहें सुनी थी इसके बारे में कि यार ये जिम करता है छोड़ देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आए भी, उन्होंने बहुत सारा बोला कि ये जिम करता है छोड़ देता है, जिम करता है छोड़ देता है। मैंने कहा मेरे पास ये आया है वेट कम करने के लिए, तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी तो मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम पहले 2012 में मुलाकात हुई थी, उसको काफ़ी गोल मटोल थे, लेकिन आजकल करते करते फिर इसने अपना जहन बनाया, तो लाजमी सी बात है कि फिर जब जहन बनता है बंदा जब भी काम कोई शुरू करता है, वरना उससे पहले तो जितना मर्जी मूड बना ले नहीं बन सकता। दूसरी वजह यह कि अच्छे खासे वेट पे आए थे माशाल्लाह माशाल्लाह, टुक टुक करते अच्छा खासा काम, वेट कम किया, बॉडी शेप की, आज माशाल्लाह से खुद खुश हो, मेरे सामने भी है और दुनिया के सामने भी है कि जाहिर सी बात है अपने आप को तुमने इतना फिट किया। तो लाजमी सी बात है कि 5 साल कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर देखे जाए, आंखें बंद करो तो आजकल यही हालात इस तरह के चल रहे हैं कि उसमें पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फिटनेस के ऊपर माशाल्लाह से काफ़ी बार चोटें भी लगीं और काफ़ी दफ़ा अप एंड डाउन भी हुए, लेकिन जिम नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हालात जैसे भी रहे, तुमने उसमें जिम नहीं छोड़ा, अपने आप को फिटनेस के तौर पर बरकरार रखा, आज हालात जैसे भी हैं वो आपके सामने भी और लोगों के सामने भी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना काम किया और आज खुश भी हैं, और आपको भी पता है कि आपने क्या किया और कितना टाइम दिया है आपने, बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगा माशाल्लाह से, इतना टाइम करा आपने, बरकरार रखा अपने आप को, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप कोई भी काम करते हैं उसको एक टाइम पीरियड होता है, उसमें आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, या मुस्तकिल मिजाजी में, मुस्तकिल मिजाजी कह लो, या फिर अपने मिजाज को लेके चलना, आप एक मुश्किल हालात में भी और अच्छे से अच्छे हालात में भी अपने आप को लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह ज़िंदगी पर मुलाकात होगी। अच्छा, एक और एक आखिरी सवाल के हर सांचे, हर रवैयों के हर सांचे में ढला, दोस्ती के अतबार से कैसा पाया आपने मुझे, अगर ये सवाल देखा जाए, क्योंकि इंसान 5 सालों में हर इमोशंस में ढलता है, हर सांचे में ढलता है, दोस्ती में आपने कैसा पाया मुझे? भाई
दोस्ती में अगर देखा जाए तो मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह से, लाजमी सी बात है दूसरों के साथ भी हैं, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि आप अपने आप को मेंटेन रखें, आप अपने आप में मसरूफ़ रहें, दूसरों में अगर आप घुसेंगे तो दूसरों में तो बहुत ज़्यादा ही, लाजमी सी बात है कि आज हर बंदे के पास अपना मुख्तसर सा एक टाइम होता है, कोई टाइम देता है कोई नहीं दे पाता, लेकिन सच यही है कि आप अपने आप में मसरूफ़ रखें, अपने हालात के मुताबिक अपने आप को लेकर चलें, मसरूफ़ रखेंगे तो बहुत अच्छा है। मैंने दुनियावी लोगों में तो यही है कि भाई बातें सुनने को मिलेगी, हालात के हिसाब से आपको लोगों की बातें और बहुत सारी बातें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, उससे अच्छा कि आप लोगों को अनदेखा करें, अनजाने से चलें, अपने आप को लेकर बस अपने आप को देखें, ये काफ़ी है। तो कैसा रहा आज का मेरा संगे मील, एक 5 साल का फ्रॉम 9 अगस्त 2016 से लेकर 9 अगस्त 2021 तक का आपने पूरी स्टोरी सुनी, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इसका सीक्वल बने, इसका पार्ट टू बने, क्योंकि ये पार्ट अपने आप में रह के इतना प्यारा है कि इसमें इस्तेमाल किए हुए लफ्ज़ इतने कीमती हैं कि इसका हिस्सा दो नहीं बन सकता, ये अपने आप में ही एक हिस्सा है और जो कि एवरग्रीन होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने 6 मिनट और कुछ सेकंड मुझे दिए, और अब मैं आपसे जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने के बाद।